Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। हिमाचल में तबाही के बीच लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई है और इनमें देहरादून में 4, हरिद्वार में 6 और टिहरी में 3 लोगों की मौत हो गई है। केरल में आज भारी बारिश की आशंका है, इसको देखते हुए 7 जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। उत्तराखंड में कई जगह बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सावन के पवित्र महीने में शिवरात्रि के अवसर पर भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के माध्यम से कैसे अपना एजेंडा चलाती है। मुंबई में 2019 के एक मामले में कोर्ट ने युवक को 2 साल की सजा सुनाई है। युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करते हुए आई लव यू बोला था। कांग्रेस ने एमवीए से चर्चा को लेकर राज्य के नेताओं की एक समिति गठित की है और चेरीतला के साथ इस समिति के सदस्यों की 4 अगस्त को बैठक होगी। पहले भारतीय ओलंपिक एथलीट स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में भारत को कांस्य पदक दिलाया। स्वप्निल के माता पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। सातारा की एक युवती ने नकली इंस्टाग्राम बॉयफ्रेंड के कारण आत्महत्या कर ली। दरअसल सहेली ने लड़के के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था और मृतक उससे प्यार कर बैठी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक जितेंद्र आवाड़ की कार पर हमला किया गया है। दक्षिण मुंबई में 3-4 लोगों ने उसकी एसयूवी गाड़ी पर आज गुरुवार शाम हमला कर दिया। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। अब तक इस योजना के लिए सरकार के पास 1,80,00,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। भारत श्रीलंका के बीच आज यानी 2 अगस्त से 3 मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जानी है, जिसमें रोहित कोहली टी20 विश्व कप 2024 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। नेट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित है। फैसले के अलावा आपत्ति है तो छात्र हाईकोर्ट जा सकते हैं। लद्दाख में मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी संचालक के ठिकानों पर रेड की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि पहले राहुल गांधी पत्रकारों से उनकी जाति पूछते थे, अब जब लोग उनसे उनकी जाति पूछते हैं तो उन्हें इससे परेशानी होती है। एएफपी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस की पुष्टि करने के लिए प्रतिनिधियों ने गुरुवार को मतदान शुरू किया। एक दिन पहले नया इतिहास बनाने के बाद आज शुक्रवार को घरेलू बाजार में खुलते ही भारी गिरावट दर्ज की गई। घरेलू बाजार पर आज वैश्विक बाजारों में गिरावट का साफ असर दिख रहा है। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज अच्छी शुरुआत के बाद धीमी पड़ गई है और अब तो फिल्म के लिए बजट का निकालना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।